जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। और आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी वर्तमान में राजधानी क्या है, इस समय वहां पर किसकी सरकार है, कौन से पार्टी की सरकार है, राज्यपाल कौन है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे सभी राज्यों में जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें आदि हैं उन सभी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो पहले हम लोग कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे जो कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित हैं। तो पहले हम बात करते हैं राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ प्रमुख अनुच्छेदों की। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 152 है इसमें राज्यपाल के बारे में बताया गया है, यानी कि राज्यपाल की डेफिनेशन इसमें दी गई है। अनुच्छेद 153 की बात करते हैं तो राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ये प्रावधान आपके अनुच्छेद 153 में दिया गया है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 154 की बात करते हैं तो राज्यपाल की शक्ति का प्रावधान इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 155 की बात करते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 155 में। फिर हमारा है अनुच्छेद 161, इसमें राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। और नीचे आप जरा कमेंट में बताइएगा कि हमारे राष्ट्रपति के पास में किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति होती है। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान ली राज्यपाल के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि हमारे जो भी राज्य होंगे वहाँ पर आपको एक मंत्रिपरिषद देखने को मिलेगी। अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि राज्यपाल महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, ये अनुच्छेद 164 में है। और राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, जैसे आपके केंद्र सरकार का वकील होता है उसी प्रकार से जो राज्य सरकार का महाधिवक्ता होता है उसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 165 में दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य आर्टिकल भी जान लेते हैं, जैसे कि राज्य विधानमंडल से जुड़े हुए जो आर्टिकल हैं। तो पहले आपको याद रखना है अनुच्छेद 168 के बारे में, इसमें राज्यों में जो विधानमंडल होगा उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 169 इस समय चर्चा में है क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो कैबिनेट है उन्होंने अभी अपने यहाँ पर नए विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन और समाप्ति का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 170 की बात करते हैं तो विधानसभा की संरचना की यहाँ पर बात की गई है। और अनुच्छेद 171 की बात करते हैं तो विधान परिषद की संरचना की बात आपके इस आर्टिकल में की गई है। तो ये हम लोगों ने महत्वपूर्ण आर्टिकल को डिस्कस कर लिया। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और साइंस की बेहतरीन क्लास चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके मुझे आप अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर कल आपको दो क्लास देखने को मिलेगी, 3:30 बजे हम लोग ग्रुप डी के लिए एक स्पेशल सेट को डिस्कस करते हैं तो ये आपका सेट नंबर 51 होगा। और रात में 10 बजे वाली जो क्लास होगी इसमें जो आपके ग्रुप डी में प्रश्न पूछे गए हैं स्टैटिक जीके के उन सभी का होगा एक लाइव टेस्ट, तो इन क्लासों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आइए, यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे और इनके द्वारा आप कोई भी कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ग्रुप डी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मात्र 3600 रुपये में आप यहाँ पर पूरे 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर कोड यूज़ करेंगे KV10 तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं पहले आम चुनाव के बारे में, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, NTPC CBT 1 में भी प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए इनको मैंने शुरुआत में ही आपके शामिल कर दिया है। तो पहला आम चुनाव हमारा 1951-52 में हुआ था। पहली बार लोकसभा का जो गठन है ये 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। पहला सत्र जो हमारा शुरू हुआ था वह 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो पहला चुनाव हुआ था ये आपके कुल 489 सीटों पर हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा 364 सीटें जीती थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जानिए, जैसे कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 है, अधिकतम हो सकती है आपकी 552। आरक्षित सीटों की बात करते हैं तो 131 सीटें आरक्षित हैं जिनमें से 84 SC और 47 आपके ST कैटेगरी के लिए हैं। 2019 में जो चुनाव हुआ था इसमें BJP ने 303 सीटें जीती थी और कांग्रेस को यहां पर 51 सीटें मिली थीं। सबसे युवा सांसद कौन है तो चंद्रानी मुर्मू जो कि उड़ीसा के क्योझर से हैं, ये आपकी सबसे युवा सांसद हैं। और सबसे वृद्ध सांसद की बात करते हैं तो ये हैं शफीक उर रहमान जो कि हैं UP से। तो इन सभी के बारे में आप लोग याद रखिएगा।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो राज्यसभा में कुल आपको 245 सीटें मिलेंगी, अधिकतम यहाँ पर हो सकती हैं 250। और यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्तियों को किया जाता है मनोनीत। अच्छा, विधान परिषद आपका अक्सर चर्चा में रहता है, CBT 1 में कई बार पूछा गया, CHSL में भी पूछा गया था, तो अच्छे से याद रखिएगा। इस समय हमारे यहाँ पर 6 राज्य हैं जहाँ पर आपको विधान परिषद मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद समाप्त हो गई है, तो मैं आपको भैया एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, राज्य सरकार प्रस्ताव को मंजूरी देती है, उसके बाद में जब संसद इसको मंजूरी देगा तब जाकर के होती है समाप्त। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार चाहे और कहे आज हम खत्म कर दें, तो ऐसा नहीं है कि ये खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक संसद मंजूरी नहीं देगी तब तक वो समाप्त नहीं होगा। अब आइए एक एक करके हम लोग राज्यों के बारे में जानते हैं। तो हमारे देश में इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो पहले आइए केंद्रशासित प्रदेश देखते हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव और दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी यानी कि पुडुचेरी, और उसके बाद में आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। 6 आपको इस समय यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, बाकी 2 की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। अब इनके बारे में आइए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो ध्यान रखिएगा चंडीगढ़ के इस समय प्रशासक हैं जिनका नाम है BP सिंह बदनौर। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आपको विधानसभा मिलेगी, अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल यहाँ के हैं CM। पुडुचेरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको विधानसभा की 30 सीटें मिलेंगी। तमिलसाई सुंदर राजन को यहाँ के उपराज्यपाल का इस समय प्रभार मिला हुआ है और N रंगास्वामी अभी यहाँ के बने हैं नए CM। क्या नाम है इनका? तो इनका यहाँ पर नाम है N रंगास्वामी और इन्होंने B नारायण स्वामी का स्थान लिया है। और नीचे आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ पर जो रंगास्वामी हैं, कि ये जो N रंगास्वामी है ये आपके किस पार्टी के हैं। फिर लक्षद्वीप की बात करते हैं तो इस समय आप सभी को पता होगा बवाल भी यहाँ पर मचा हुआ है, कवारत्ती यहाँ की राजधानी है और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के हैं प्रशासक। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के हैं LG। दादरा और नागर हवेली और दमन दीव की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको दमन में मिलेगी और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के हैं प्रशासक, जिनको इस समय लक्षद्वीप के प्रशासक का कार्यभार मिला हुआ है। अब आइए हम लोग अपने यहाँ के राज्यों के बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से करेंगे शुरुआत। इसकी राजधानी आपको 2 मिलेगी, श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा जम्मू और कश्मीर राज्य। उसके बाद में इसके ऊपर चलेंगे तो लद्दाख आपको मिलेगा, जिसकी राजधानी आपके लेह में है और इसके वर्तमान में उपराज्यपाल है, नाम इनका है RK माथुर। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा राज्य है पंजाब, तो ये आप पंजाब की लोकेशन देख सकते हैं, राजधानी चंडीगढ़ में है, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, राज्यपाल यहाँ के हैं BP सिंह बदनौर और कांग्रेस इनकी पार्टी है। यहाँ पर आपको लोकसभा में 13 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में आपको 117 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, तो राजधानी आपको मिलेगी शिमला में, सर्दियों में आपको राजधानी धर्मशाला में मिल जाती है, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल की बात करते हैं तो बंदारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं, लोकसभा में आपको 4, राज्यसभा में आपको 3 और विधानसभा में आपको 68 सीटें मिलेंगी और जयराम ठाकुर की पार्टी है BJP। अगला राज्य है राजस्थान, तो राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, लोकसभा में यहाँ से 25, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 200 सीटें हैं और यहाँ जो पार्टी है उसका नाम है कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस की सरकार है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारे देश का सबसे बड़ा ये राज्य है। अगला राज्य है हरियाणा, तो राजधानी चंडीगढ़ में, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल यहाँ के हैं सत्यदेव नारायण आर्य, लोकसभा में 10, राज्यसभा में 5 और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीटें मिलेंगी और BJP पार्टी है मनोहर लाल खट्टर की। अगला राज्य है उत्तराखंड, तो सर्दियों में इनकी राजधानी देहरादून होती ही थी, अब इन्होंने गर्मियों की जो राजधानी है उसको गैरसैंण में शिफ्ट कर दिया है। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और तीरथ सिंह रावत यहाँ के हैं CM, जो कि हमारे देश के सबसे शायद वरिष्ठ CM हैं, सबसे होशियार CM हैं, ऐसा इनके बयानों को देख करके भी आप समझ सकते हैं। लोकसभा में यहाँ से 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में यहाँ पर 71 सीटें हैं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश, तो राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, भारतीय जनता पार्टी से ये CM हैं, लोकसभा में यहाँ से 80, राज्यसभा में आपको 31, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में आपको 100 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है गुजरात, तो राजधानी गांधीनगर में है, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी भारतीय जनता पार्टी से, लोकसभा में यहाँ से 26, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में यहाँ से 182 सीटें आपको मिलेंगी।
अगला राज्य है मध्य प्रदेश, तो इसकी राजधानी आपको भोपाल में मिल जाएगी। मुख्यमंत्री इस समय है शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जो कि कार्यवाहक हैं। लालजी टंडन की पिछले साल डेथ हुई थी, तब से उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं यानी कि आनंदीबेन पटेल वे इस समय कार्यभार यहाँ पर संभाले हुए हैं। लोकसभा में यहाँ से 29, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में यहाँ से 230 सीटें आपको मिलेंगी। अगला राज्य है महाराष्ट्र, तो यहाँ की भी दो राजधानी मुंबई और नागपुर। मुख्यमंत्री यहाँ से हैं उद्धव ठाकरे जो कि हैं शिवसेना पार्टी से। राज्यपाल कौन है तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा में यहाँ से 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19, विधानसभा में 288 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 78 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है गोवा, तो राजधानी पणजी में मिल जाएगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल वही भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये भी आपके कार्यवाहक हैं गोवा के। पिछले साल सत्यपाल मलिक को भेजा था इन्होंने मेघालय में, तब से वो मेघालय तो चले गए लेकिन गोवा को कोई नया राज्यपाल नहीं मिल पाया है। चर्चा तो बाजारों में ये भी है कि हो सकता है जो हमारे अभी मुख्य चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त हुए हैं वे आपके गोवा के बन सकते हैं राज्यपाल, बट आने वाले समय में देखेंगे कि कौन यहाँ पर बनता है। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है कर्नाटक, तो राजधानी बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री हैं बी डी येदियुरप्पा, भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं वाजुभाई वाला। यहाँ पर लोकसभा में 28, राज्यसभा में 12, विधानसभा में 224 और विधान परिषद में आपको 75 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है केरल, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी यहाँ पर हुए हैं चुनाव। तो राजधानी आपको मिलेगी तिरुवनंतपुरम में। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा में यहाँ की 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में आपको 140 सीटें मिलेंगी। और किस पार्टी से हैं हमारे पिनरई विजयन साहब, तो ये हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से। किससे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हैं सीएम यहाँ पर पिनरई विजयन साहब। अगला राज्य है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजधानी है चेन्नई में। मुख्यमंत्री अभी नए नए बने हैं इडापड्डी के पलाना स्वामी के स्थान पे। नाम इनका है एमके स्टालिन और इनकी पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्रा कजागम। क्या नाम है? द्रविड़ मुनेत्रा कजागम इनकी पार्टी का नाम है। राज्यपाल वही पुराने वाले हैं यानी कि बनवारी लाल पुरोहित हैं। यहाँ की विधानसभा में आपको 234 सीटें मिलेंगी जिनके ऊपर अभी चुनाव हुआ था। लोकसभा में यहाँ से 39 और राज्यसभा में मिलेंगी आपको 18 यहाँ पर सीटें। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, तो राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री वही जगन मोहन रेड्डी पुराने वाले। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है। राज्यपाल है बीबी हरिचंदन। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 11, विधानसभा में 175 और विधान परिषद में 58 सीटें मिलेंगी। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आंध्र प्रदेश में अभी विधान परिषद है, ये आपकी समाप्त नहीं हुई है। जैसे इन्होंने 3 राजधानियों की घोषणा तो की है लेकिन अभी 3 राजधानियां बनी नहीं है, उसी प्रकार से विधान परिषद की समाप्ति की बात की है लेकिन अभी वो समाप्त नहीं हुई है। अच्छा, 3 राजधानी कौन कौन सी है जरा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा अगर यहाँ तो वीडियो को देखा है। तेलंगाना की बात करते हैं तो राजधानी हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव यहाँ से। राज्यपाल यहाँ से है तमिल साई सुंदर राजन। कौन है? तमिल साई सुंदर राजन। के चंद्रशेखर राव की पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति। लोकसभा में यहाँ से 7, राज्यसभा में 7, विधानसभा में 119 और विधान परिषद में आपको 43 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है छत्तीसगढ़, तो राजधानी रायपुर में है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल यहाँ से अनुसुईया उइके और कांग्रेस यहाँ की है पार्टी। लोकसभा में आपको 11, राज्यसभा में 5 और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य हमारा है बिहार, तो बिहार की राजधानी आपको पटना में मिल जाएगी। मुख्यमंत्री यहाँ से हैं नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड से। राज्यपाल हैं फागू चौहान साहब। लोकसभा में 40, राज्यसभा में यहाँ से 16, विधानसभा से यहाँ पर 243 और विधान परिषद में आपको 75 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है झारखंड, तो राजधानी आपकी रांची हो गई। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। राज्यसभा में राज्यपाल यहाँ की हैं द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा में यहाँ की 14 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 6 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 81 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है उड़ीसा, तो राजधानी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बीजू जनता दल से। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। लोकसभा में यहाँ से 21, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में यहाँ से 141 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। एक हमारा राज्य है पश्चिम बंगाल, यानी कि दीदी ओ दीदी वाला राज्य है ये। राजधानी आपको मिल जाएगी कोलकाता में। मुख्यमंत्री आपके यहाँ की हैं ममता बनर्जी, जो कि तीसरी बार सीएम बनी है। याद रखिएगा 2011 में ये पहली बार सीएम बनी थी। तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम है। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ की विधानसभा में आपको 294 सीटें मिलेंगी लेकिन 292 सीटों पर ही चुनाव हुआ था।
लोकसभा में यहाँ से 42 और राज्यसभा में आपको यहाँ से 16 सीटें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से हमने अपने भारत के राज्यों को समाप्त कर दिया है। अब हम लोग जो हमारे उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य हैं यानी कि 8 राज्य, उनके बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं। पहले बात करेंगे सिक्किम की। तो सिक्किम, जिसको हम लोगों ने 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया था, इसकी राजधानी आपको गंगटोक में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रेम सिंह तमांग, जिनको PS गोले के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। क्या नाम है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। राज्यपाल यहाँ से हैं गंगा प्रसाद। यहाँ में लोकसभा से 1, राज्यसभा से 1 और विधानसभा से 32 सीटें हैं। विधानसभा में 32 सीटें हैं। असम काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य, क्योंकि राजधानी इसकी आपको दिसपुर में मिलेगी। अभी यहाँ पर हुए हैं चुनाव, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री बन गए हैं हेमंत बिस्वा सरमा। स्थान किसका लिया है? तो सर्बानंदा सोनोवाल का इन्होंने स्थान लिया है। राज्यपाल यहाँ के वही पुराने वाले जगदीश मुखी हैं। लोकसभा में यहाँ पर 14, राज्यसभा में यहाँ से 7 और यहाँ की विधानसभा में आपको 126 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य हमारा है मेघालय। तो इसकी राजधानी शिलोंग में है। मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा नेशनल पीपल पार्टी से। राज्यपाल हैं सत्यपाल यहाँ के मलिक। और यहाँ से लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है त्रिपुरा। तो राजधानी आपकी अगरतला में है। मुख्यमंत्री हैं बिप्लव कुमार देव भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं रमेश बैस। यहाँ से आपको लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी आपको आइजोल में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ से हैं जोर मथंगा। मिजो नेशनल फ्रंट इनकी पार्टी है और राज्यपाल का नाम है PS श्रीधर पिल्लई। क्या नाम है? PS श्रीधर पिल्लई। लोकसभा में यहाँ से 1 सीट है, राज्यसभा में भी यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीटें देखने को मिलेंगी। और जोर मथंगा जी की पार्टी का नाम है मिजो नेशनल फ्रंट। अगला राज्य है मणिपुर। तो इसकी राजधानी आपको इम्फाल में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं N बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ की हैं नजमा हेपतुल्ला। लोकसभा में यहाँ से 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है नागालैंड। तो इसकी राजधानी कोहिमा में है। मुख्यमंत्री यहाँ के नेफ्यू रियो हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इनकी पार्टी है, यानी कि जिससे ये CM है। NDPP इसको हम लोग कहते हैं। RN रवि यहाँ से राज्यपाल हैं। यहाँ से आपको लोकसभा में 1, राज्यसभा में भी 1 और विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आखिरी राज्य हमारा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी राजधानी आपको ईटानगर में मिलेगी। CM यहाँ से हैं पीमा खांडू भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ से हैं BD मिश्रा। लोकसभा में यहाँ से 2, राज्यसभा में यहाँ से 1 और विधानसभा में यहाँ की 60 सीटें आपको मिलेंगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्यपाल से जुड़े हुए जो भी आपके महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन सभी तथ्यों को डिस्कस कर लिया है। वैसे जो आपके 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो ऊपर के आई बटन पर या आपको इस समय स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो दिख रही होगी, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।